एंटरटेनमेंट की दुनिया में कई ऐसे बड़े नाम हैं जो बगैर शादी किए पेरेंटहुड एंजॉय कर रहे हैं। इनमें से एक नाम प्रोड्यूसर एकता कपूर का भी है। एकता कपूर ने शादी नहीं की, लेकिन वो एक बेटे की माँ है। सरोगेसी के जरिए एकता अपना मदरहुड एंजॉय कर रही है। अब इसी बीच खबरें हैं कि एकता कपूर दूसरी बार माँ बनने वाली है। अब इस खबर की सच्चाई जानने के लिए देखिए पूरी वीडियो। बॉलीवुड एक्टर जितेंद्र और शोभा कपूर की बेटी एकता कपूर को टेलीविजन क्वीन कहा जाता है। एकता कपूर ने टीवी इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वो पिछले 2 दशक से इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं। टीवी इंडस्ट्री को एकता कपूर ने कई सुपरहिट सीरियल्स दिए हैं जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। एकता एक बेटे की माँ है। साल 2019 में वो सरोगेसी के जरिए सिंगल मदर बनी थी। अब हाल ही में खबरें आई कि एकता कपूर दूसरे बेबी को लेकर प्लान कर रही हैं और सरोगेसी के जरिए ही दूसरी बार माँ बनना चाहते। अब हाल ही में खबरें आई थी कि एकता कपूर दूसरे बेबी को लेकर प्लान कर रही हैं और सरोगेसी के जरिए ही दूसरी बार माँ बनना चाहती हैं। एकता कपूर अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रहती हैं। फिल्में और टीवी शोज प्रोड्यूस करने के बाद वो OTT पर भी काफी एक्टिव हैं और उनकी कई सारी सक्सेसफुल वेब सीरीज भी आ चुकी है। एकता अपनी पर्सनल लाइफ को काफी प्राइवेट रखना पसंद करती हैं, इसलिए उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी कम बातें होती हैं। वो लाइमलाइट से दूर रहती हैं और सिर्फ खास ओकेजंस पर ही नजर आती हैं। एकता 48 की उम्र में भी सिंगल हैं और एक बच्चे की माँ हैं। अब रिपोर्ट्स में ये सामने आया था कि वो सरोगेसी के जरिए दोबारा माँ बनने जा रही हैं। दरअसल एकता के बेटे रवि अब 5 साल के हो गए हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई कि अब रवि को एक सिबलिंग चाहिए। ऐसे में एकता कपूर भी इस बात पर गौर कर रही हैं और सरोगेसी के जरिए दोबारा माँ बनने की सोच रही हैं। लेकिन अब इस खबर पर नई अपडेट सामने आई है जिसमें इन रिपोर्ट्स का खंडन किया गया है और इसे एक अफवाह बता दिया गया है। नए स्टेटमेंट में इस खबर के बारे में कहा गया, सिर्फ एक्सक्लूसिव और लाइक्स के बदले में गलत जानकारी करना किसी भी हाल में एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी भी खबर की जाँच की जानी चाहिए। ये बहुत फनी है कि इस तरह की खबरें भी सामने आ जाती हैं। बता दें कि एकता कपूर का नाम भी उन सेलेब्स की लिस्ट में शामिल है जो 40 की उम्र के बाद भी कुंवारे हैं। एकता ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान इस बारे में खुलासा किया था कि आखिर वो आज तक अनमैरिड क्यों हैं। एकता कपूर से जब पूछा गया था कि वो शादी कब करेंगी, तब इसके जवाब में एकता ने बस मुस्कुराते हुए कहा था कि सलमान खान जब शादी कर लेंगे उसके 2 या 3 साल बाद मैं भी शादी कर लूंगी। बता दें कि एकता कपूर ही नहीं बल्कि उनके छोटे भाई तुषार कपूर भी अपनी बड़ी बहन के कदमों तले चलते हुए सरोगेसी से ही पिता बने हैं। उनके बेटे का नाम लक्ष्य है। दोनों ही भाई बहन लाइमलाइट से दूर रहते हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो पिछली बार तुषार बहन एकता कपूर की ही प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्म लव सेक्स और धोखा 2 में नजर आए थे। वैसे एकता कपूर से जुड़ी इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ जनरेशन डिजिटल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।